सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत मेयर निखिल मदान ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए उनको याद किया। निखिल मदान ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश को संचार प्रौद्योगिकी में देश को अग्रणी स्थान पर पहुंचाया, पंचायती राज के माध्यम से गांवों को विकास पथ पर आगे बढ़ाया, युवाओं को 18 वर्ष में मतदान का अधिकार देकर लोकतंत्र को सशक्त बनाया। निखिल मदान ने शहर के गीता भवन चौक पर पहुंचकर पुलिस वालों और कोरोना टेस्ट कर रहे डॉक्टरों को सैनिटाइजर और मास्क दिए। अपनी जान की बाजी लगाकर जनता की सेवा में लगे रहने के लिए उनका धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इससे बचाव में ही जीवन की सुरक्षा है। सरकार की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। उन्होंने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि आप लोग घर पर ही सुरक्षित रहें, बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज उनकी याद में आज ये कुछ सैनिटाइजर्स, मास्क और कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो आज वैक्सीनेशन कैंप भी हमारी तरफ से लगवाया गया, टीम दविंदर की तरफ से लगवाया गया कि एक तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं, और जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे अभी पीछे हमारे देखो आप RT-PCR कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो भी बंदे एफर्ट दे रहे हैं अपने, उनके लिए कुछ भी चीज़ें हमारी तरफ से हो सकें, जैसे सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गए, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं।